बचपन में हम सब ने हाजमोला तो खाई है। हाजमोला का चटपटा फ्लेवर सबको बहुत पसंद आता है। साथ ही हाजमोला डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये हाजमोला की गोलियां असल में बनाई कैसी जाती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हाजमोला फैक्ट्रीज में बनाई कैसी जाती है। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। हाजमोला बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है जीरा, यानी क्यूमिन सीड्स। जीरा को बहुत बड़ी मात्रा में कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद इस जीरा को एक बहुत बड़े मशीन में डालकर उसे अच्छी तरह से रोस्ट यानी भूना जाता है। अब बात करेंगे हाजमोला के खट्टे मीठे फ्लेवर्स की। हाजमोला के फ्लेवर्स ऐड करने के लिए बहुत सारे मसाले ऐड किए जाते हैं। फिर उसका बहुत ही फाइनली ग्राइंडेड मिक्सचर बनाया जाता है। और साथ ही इस मिक्सचर में कुछ सीक्रेट स्पाइसेस भी मौजूद होते हैं, जो कि हाजमोला को एक बहुत ही अलग टेस्ट देते हैं। उसके बाद में रोस्टेड जीरा, सारे मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस को एक मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें ग्राइंड किया जाता है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स होकर बहुत ही फाइन पाउडर बन जाए। अब हमारा फाइनल मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इस पाउडर को दूसरे मशीन में डालकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। अब हमारी हाजमोला की गोलियां तैयार हो चुकी है। उसके बाद में इन छोटी छोटी गोलियों की पैकेजिंग होती है, जहां उन्हें बॉटल्स और पैकेट्स में भरा जाता है और उसके बाद ही स्टोर्स में बेचने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाजमोला का प्रोडक्शन कब और कैसे स्टार्ट हुआ था? हाजमोला को पहले डाइजेस्टिव केवी टैबलेट्स के नाम से जाना जाता था। डाबर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनीज में आती है, उन्होंने ये टैबलेट्स प्रोड्यूस की थी। डाबर 1978 से पहले लोकली सिर्फ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, लेकिन 1978 में डाबर जब बड़ी FMCG कंपनी में कन्वर्ट हो रही थी, तब उन्होंने इन गोलियों का नाम चेंज करके हाजमोला रख दिया। साथ ही इसकी मार्केटिंग भी ऐसी की जिसमें उन्होंने हाजमोला के चटपटे स्वाद के साथ साथ डाइजेशन के बेनिफिट्स भी बता दिए। हाजमोला का टैगलाइन भी बहुत सालों से यही था, चटपटा स्वाद झटपट आराम, जिसके बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक हाजमोला बहुत फेमस हो गया। तो ये सब कुछ था आपके पसंदीदा हाजमोला के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मेंशन कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।